हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हुई दो काउंसलर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी लखनऊ से आई है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट से है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। TGT में काउंसलर की वैकेंसी है, उसके बाद PRT में एक्टिविटी टीचर, वेस्टर्न म्यूजिक और काउंसलर। TGT और PRT में काउंसलर की वैकेंसी आई है। अभी देखते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड, इस वैकेंसी के लिए आपको आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में विथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज अ वेलनेस टीचर और अ काउंसलर। साइकोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ काउंसलर और वेलनेस टीचर। और फ्रेंड, यहाँ पे स्कोर कार्ड अप्लीकेबल नहीं है काउंसलर वैकेंसी के लिए। फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो और आपके पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस है और आप तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए, और फ्रेंड आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए स्कूल के वेबसाइट पे एक अप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो अप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 मार्च 2022 है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको 100 रुपीज का DD बनाना है स्कूल के नाम से, और फ्रेंड 15 मार्च तक आपको अप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ DD और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट कर देना है कुरियर से स्कूल कैंपस में। फ्रेंड, अभी देखते हैं स्कूल के वेबसाइट पे जाकर कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड, हम स्कूल के वेबसाइट पे आ चुके हैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्रेंड, उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, ये फोटो गैलरी ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको न्यूज अपडेट यहाँ पे आना है और नो मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यूज नोटिस लिस्ट, उसके बाद 2 नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखा है डेट 2 मार्च को आई हुई है ये नोटिफिकेशन, तो इस पे व्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट थ्रू CSB, इस पे आपको क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है और ये फॉर्म फिल करके 15 मार्च तक आपको सबमिट कर देना है। और फ्रेंड, इंटरव्यू कब होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड, इस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, 1 मार्च पे आई हुई एडवर्टाइजमेंट है और 2 मार्च को अप्लीकेशन की आई है। 1 मार्च को इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अप्लीकेशन फॉर्म ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। फ्रेंड, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल आईडी है, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी मथुरा कैंट से आई है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट से है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जैसे PGT, TGT, लोकल स्ट्रिंग बोर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल। अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये पहले की रेगुलर थी, और अभी देखते हो फ्रेंड काउंसलर की वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ पे है। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि काउंसलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज अ वेलनेस टीचर और अ काउंसलर। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए स्कूल के वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ आपको DD बनाना है 100 रुपीज का। DD किन के नाम से बनाना है तो यहाँ पे दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, इस नाम से आपको DD बनाना है 100 रुपीज का। एप्लीकेशन फॉर्म और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको 18 मार्च से पहले स्कूल के कैंपस में सेंड कर देना है कुरियर से। अप्लीकेशन फॉरवर्डेड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फ्रेंड, आपको यहाँ पे सिर्फ कुरियर ही सेंड करना पड़ेगा, ईमेल से ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। फ्रेंड, अभी चलते हैं स्कूल के वेबसाइट पे और देखते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड, हम स्कूल के वेबसाइट पे आ चुके हैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे नीचे स्क्रॉल करके आना है और लेटेस्ट न्यूज़ पे आना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्म नॉन टीचिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, यहाँ पे उसकी आपको प्रिंट निकालनी है और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 18 मार्च से पहले स्कूल कैंपस में आपको ये सबमिट कर देना है। फ्रेंड, बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।